ये हमारे पास अपेरेंट पोजीशन हो गई, किस चीज की हो गई, मिरर की। कितना शिफ्ट आया है, किसके बराबर शिफ्ट आया, शिफ्ट आ गया कितना है, 6 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/3/2 यानी 2/3। तो ये आपके पास आ गया, शिफ्ट आ गया कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हो गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया मेरे पास कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। इतना किस किस को समझ में आता है, हाथ खड़े करो। अब तो थोड़े ही बच्चे हो बेटा, सारे लोग हाथ खड़े करो, जिसको समझ में नहीं आता वो पूछो। व्हाट अबाउट आयुष, हर्ष, नवदीप, हिमांशु यादव भी जुड़ गया। तो हमारे पास इमेज कितनी दूर बढ़ेगी, यहां से 32 सेंटीमीटर ये बन गई इमेज। अपेरेंट पोजीशन ऑफ मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर इमेज बन गई, 32 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल अरे यार मेरा वो जो दूसरा फोन है ना उसकी आवाज जा नहीं रही, कैसे ले जाऊं उसको। कैसे सर, मतलब समझा नहीं है। मैंने अपना फोन भी ऑन कर रखा है और वो बंद नहीं होता। चलो एक काम करता हूँ, फोन लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब नहीं आएगी शायद। ओके, अब नहीं आ रही, आ रही है अभी, और दूर रख देता हूं। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। बताओ कितने लोगों को समझ में आया। रेज हैंड। गुड, ठीक है, आगे चलते। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी करेंगे, पर थोड़ा सा रुक के करेंगे। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। ए फिश इन द एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व ए फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई।
रजत कर रहे हो बेटा? रजत फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। यस सर। देखो क्या है मेरे पास, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है हमारे पास। दो चीजें, क्या दो चीजें हैं? यहां पर तो इस जगह तो मेरे पास इंसेक्ट है, किसमें है? एयर में। यहां पर मेरे पास फिश है, कहां पर है? वाटर में। फिश जो है वो कहता है ए फिश इन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट ए रेट ऑफ 3 meter per second। ये फिश इधर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है? 3 meter per second। अच्छा, ये इंसेक्ट जो जा रहा है पता नहीं किस स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं 20 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, ए फिश इन द एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट ए रेट ऑफ 3 meter per second ऑब्जर्व्स ए फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 meter per second। यानी ये क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है हमारे पास v प्लस 3, वो जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर बताइए उसमें? 8 meter per second। ठीक है बेटा। यस सर। तो व्हाट इज v? ये v एक्चुअल नहीं है, ये तो अपेरेंट है फिश के लिए, ये तो अपेरेंट है फिश के लिए। तो ये पूछ रहा है पहले तो v निकालो, v तो आ गई 5 meter per second, बट व्हाट इज एक्चुअल स्पीड ऑफ व्हाट इंसेक्ट, ये कैलकुलेट करना है, करो। ये जो मेरे पास है, ये वाली भी है, ये अपेरेंट है, जो कि किसको दिखाई दे रही है? फिश को दिखाई दे रही है। ये क्या चीज है बेटा? एक्स। तो हमारे पास एक्स अपेरेंट क्या होगा? एक्स अपेरेंट यानी हमारे पास अपेरेंट पोजीशन ऑफ किसकी वाला, इंसेक्ट की, वो क्या है? फिश के लिए अपेरेंट पोजीशन एक्स की कहां पर है?
यानी हमारे पास x अपेरेंट है क्या चीज वाला म्यू इंटू एक्स। कितने लोगों को सुबह का लेक्चर याद है? अगर ऑब्जर्वर 15/4 हाँ, अगर ऑब्जर्वर हमारा डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट किस में हो, रेयरर मीडियम में हो, तो हमारे पास म्यू इंटू रियल होता है। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट किस में हो, डेंसर में हो, और ऑब्जर्वर किस में हो, रेयरर में हो, तो क्या होता है आपका? रियल बाई म्यू होता है। तो यहां पर एक्स अपेरेंट किसके बराबर आ गया? डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गई वेलोसिटी अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई मेरे पास? वी अपेरेंट डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू 5/4/3 इज इक्वल टू 15/4। शुड आई रिपीट इट? रेज हैंड। हाँ कर देता हूं। चलो इसको उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं, छोड़ते हैं। ये मेरे पास इंटरफेस था, यहां पर हमारे पास फिश है, यहां पर हमारे पास इंसेक्ट है। फिश इस डायरेक्शन में 3 meter per second की स्पीड से जा रही है और इंसेक्ट इस डायरेक्शन में पता नहीं। उसको मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड से जा। अच्छा, व्हाट विल बी द अपेरेंट वेलोसिटी फॉर फिश? v अपेरेंट, अब क्या कहता है वो? वो कहता है कि अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट रिलेटिव टू फिश इज 8। इसका मतलब क्या हो गया? v अपेरेंट इज प्लस 3 इज इक्वल टू 8 meter per second। प्लस क्यों आया ये बता सकते हो? हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बीच में प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास जब कैलकुलेट होगी तो ऐड होगी। तो क्या हो गया मेरे पास? वी अपेरेंट किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? 5 meter per second। अब इंसेक्ट का अपेरेंट डिस्टेंस क्या है? एक्स अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। डिफरेंशिएट कर दिया, v अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू v एक्चुअल। तो यहां से मेरे पास v एक्चुअल किसके बराबर आ गया? v अपेरेंट डिवाइडेड बाई व्हाट? म्यू। और ये आपके पास आ गया v अपेरेंट हमारे पास 5/4/3। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया? 15/4 meter per second। अब क्लियर? रेज हैंड। ओके,
नेक्स्ट चेक करते हैं। आप ट्राई करो, देखा जाए, सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, फिर आगे चलते हैं, फिर इसे कंक्लूजन निकाल के चलते। मैं वेट कर रहा हूं, आपके हेल्प कर रहा हूं, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। कौन कौन सॉल्व कर रहा है, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। क्या 5, 6, 7, 8, 15 बच्चों में से 8 ने, इस 8 ने हाथ खड़ा किया। आप अपनी मर्जी से ऐड हुए हो बेटा, अब तो कोई कंपल्शन भी नहीं था, पढ़ने के लिए ऐड हुए हो, शाबाश करो। प्रवीण कर रहे हो बेटा? That is answer sin inverse 1/2.8। इसका आंसर आप बता रहे हो sin इनवर्स 1/2.6। क्या फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन बता दो ना। वन अपॉन टू पॉइंट सिक्स। यस सर। यानी 3/5। नहीं, 3/5 नहीं, 5/13। साइन इनवर्स 5/13। 5/13। साइन इनवर्स 5/13। और कौन सॉल्व कर रहा है? रजत क्या कह रहे हो बेटा? सर साइन इनवर्स 5/13। 5/13। चलो लेट मी चेक। एयर है 1 × sin 30 इज इक्वल टू μ2 × sin r, पहला रिफ्रैक्शन। दूसरा रिफ्रैक्शन
म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर टू, जैसा मैंने फिगर में डाल रखा है। तीसरा रिफ्रैक्शन म्यू थ्री साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू फोर साइन आर थ्री। चौथा रिफ्रैक्शन, कितने रिफ्रैक्शन हुए, एक दो तीन चार। चौथा रिफ्रैक्शन क्या कहता है, म्यू फोर साइन आर थ्री इज इक्वल टू क्या चीज है, वाटर, वाटर इज फोर बाई थ्री साइन आर फोर। ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, ये मेरे पास सेकंड हो गया, ये मेरे पास थर्ड हो गया, ये मेरे पास फोर्थ हो गया। तो अब आप बताओ मेरे को, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, इस साइन आर से ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू टू से म्यू टू कैंसिल हो जाएगा, म्यू थ्री से म्यू थ्री कैंसिल हो जाएगा, साइन आर टू से साइन आर टू कैंसिल हो जाएगा, म्यू फोर से म्यू फोर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर थ्री से साइन आर थ्री कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा वन बाई टू इज इक्वल टू सर 1.3 है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। किसका बेटा, वाटर का, वाटर का 1.3 है। अच्छा मैंने 4/3 लिख दिया, ठीक, फिर तो आपका बन जाएगा सेम ही है सर। फिर ये क्या होगा 1.3 साइन ऑफ आर फोर। तो यहां से जिस तरह से अनु ने बताया था, साइन ऑफ आर फोर इज इक्वल टू व्हाट, 1/2.6। और जिस तरह से आप इसको वैसे बता रहे हो तो ये किसके बराबर आ गया मेरा, 5/13 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, कुछ कंक्लूजन निकला समझने लायक? हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। यस सर, पहला पकड़ लो और आखिरी पकड़ लो, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कौन सा पकड़ लो, पहला पकड़ लो और कौन सा पकड़ लो, आखिरी पकड़ लो, राइट? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाद में फिर ये मैंने उधार का वो ले रखा था, क्या कहते हैं, लिंक ले रखा था, फिर देखें। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसको देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन को रीड करो और फिर देखते हैं क्या कहता है, आराम से रीड करो। बड़ा करूं क्या? यस सर। 13/4 अब ठीक है? यस सर, काफी बड़ा कर दिया। अच्छा एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगर टाइम ओवर हो जाए तो ये दो तीन क्वेश्चन करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किस किस ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? सब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व दिखा देता हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला दिखा रहा हूं उसका ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा कर देता हूं फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ले लिया, हाथ खड़े करो इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, फिर वो जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं वो दो क्वेश्चन सॉल्व करना। Find the apparent height of the bird, fish के लिए। तो क्योंकि वो rarer media में है तो इसलिए refractive index से multiply किया, 48 meter आ गया। Find the apparent depth of the fish, fish की apparent depth कितनी है, क्योंकि वो denser media में है इसलिए refractive index से divide कर दिया। At what distance will the bird appear to the fish? तो bird के लिए कितना हो गया, 36 + 48। और at what distance will the fish appear to the bird? तो वो हो गया हमारे पास 2 अब वो वाला क्वेश्चन करो, ये वाला। ऐसा ही क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। एक तो डायरेक्ट देखे तो वो तो हो गई h/2 + μh।
और एक वो रिफ्लेक्शन से देखे, यहां से आई की पोजीशन उसको यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद में कहां दिखेगी वो आप चेक करो। इसी तरह से एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश, एक तो डायरेक्ट देखे तो वो तो हो गया हमारे पास एच प्लस एच बाई टू डिवाइडेड बाई मी। अब आपने चेक करना है रिफ्लेक्शन के बाद में क्या दिखाई देगा, यानी आपके पास आई की इमेज कहां पर बनी और ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये चीज आपको चेक करना है। इसी तरह से ये फिश है, यहां पर फिश की इमेज